बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम और प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया रात के खाने का और हम चले गए सियालकोट में रंगपुरा रोड पे वाक़ कुल्ली टिक्का शॉप पर खाना खाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ इस व्लॉग का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक्स एंड कमेंट्स कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलने वीडियो बहुत अच्छा हो गया थोड़ा सा। सलाम वालेकुम। देखे जी माशाल्लाह कुल्ली टिक्का शॉप ने नई सेटिंग की है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा इनका सेटअप है। और हम सारे दोस्त यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये हमारे प्यारे प्यारे मिर्ज़ा साहब, जानकी भाई अस्सलाम वालेकुम, इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह कमर भाई अस्सलाम वालेकुम, प्यारे प्यारे चाहिए चाहिए शाह भाई बहुत। देखे माशाल्लाह मैं कह रहा था कि इन्होंने काफ़ी चेंज कर लिया है और अच्छा लग रहा बना रहा है। इमरान भाई अब आपकी तबीयत कैसी है? भाई माशाल्लाह जब भी आते हैं मसरूर रहते हैं, कभी टिक्के, कभी कबाब, कभी लेग पीस। माशाल्लाह जी अल्लाह ताला इनको जुदाए हैरत फरमाए। भाई चाम बना रहे हैं माशाल्लाह। जब भी आते हैं ये मसरूफ़ होते हैं, खिदमत में लगे रहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा कश्मीर होने आंदा है, कश्मीर के हो? माशाल्लाह जी देखे हमारे भाई चाम बनाने लगे हैं। सारा प्रोसेस आपकी नज़रों के सामने। फ्रेश चिकन पहले से मैरिनेट किया हुआ है इन्होंने। आप इसमें टमाटर डाल दिए, आप इसमें पानी डाल के ये पकाएंगे। कितनी देर में एक चाम बन जाती है? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में? कब से आप बना रहे हैं? देखे नमक, मिर्च और हल्दी इन्होंने डाल दिया इसमें। मसाले ये हैं इनके सारे। आप इसमें अदरक डालेंगे। आप चाम की बनाई ही भाई ने शुरू कर दिया और देखें कितना ही अच्छे तरीके से वो चाप बना रहे हैं। तकरीबन 20 से 30 साल हो गया उन्हें इस पेशे से। अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग इनके खाने के मुरीद हैं। दही डाल दिया, अब बनाई का आखिरी मरहला। क्या बात है जी, क्या बात है। हम तो खा पी के चले जाते हैं। आज हमारे भाई ने कहा कि इनका ब्लॉग बनाएं, चाप कैसे बनाते हैं वो माइंड करते हैं। आप जब भी आते हैं चाम खा के चले जाते हैं। माशाल्लाह। और ये बीफ चाम्प है, चिकन चाम्प है। अब हरी मिर्चें क्रश करके इसमें डालने लगे हैं मैरिनेशन के लिए। फाइनल प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस। कुल्ली टिक्का शॉप पे जब भी आपको आएंगे, माशाल्लाह इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इनका जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है इनकी, फॉरेन क्विक सर्विस है। लेकिन कटाकट शुरू हो गई है, कटाकट शुरू हो गई है।
क्या बात है, क्या अब इसमें कश्मीर की आपकी नज़रों के सामने वो डालेंगे। यहाँ से इनकी क्वालिटी का पता चलता है, ये कस्टमर के साथ कितने मुखलिस हैं। हमारे प्यारे भाई इधर देखें, आप उधर मुंडू चुपा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे का क्या हाल है, ठीक है माशाल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा चाप तैयार हो गई है मेरे यहाँ से, अभी हो रही है। और ये इन्होंने गरम मसाला डाल दिया, साथ में काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, और ये मेथी। उससे इतनी प्यारी शुरू है, दिल करता यहीं पे खड़े होकर रोटी का काम। मज़ा आ गया चाँप खाने से, बनाने का तरीका बहुत ही लजीज, बहुत ही सफाई, बहुत ही अच्छे तरीके से पकवाई। तो पता चल रहा है कि माशाल्लाह भाई बेहतरीन। और ये आप गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दिया उन्होंने, माशाल्लाह ये चाँप हमारी पक के तैयार हो गई है, सर्विंग के लिए रेडी है। तो कई माशाल्लाह चाँपें आ गई हैं, माशाल्लाह बड़े ही प्यारे तरीके से भाई ने कहा था ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग हो गया है। ठीक है बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, अब खाते खाते भी नाल वीडियो बना लेने हैं ना। तो वो शायद भैन फिर अस निकल पे, TTC भी निकल पड़े। TTC भी जब पहुँचे हैं तो वहाँ का वेदर बड़ा प्यारा था, उससे ऊपर सामने मरी है,